हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल एंड कविक्स वर्ल्ड। इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग्स देखने मिलेंगे। सो कश्मीर से हम वापस आ चुके हैं, -15, -17 से -30 डिग्री में डायरेक्ट आ चुके, एकदम गर्म गर्म वाली हीट। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक फूड ब्लॉग बनाते हैं। ये हल्दीराम्स का न्यू रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ओपन हुआ है, यही महीने में चालू हुआ है, 10-15 दिन ही हुआ है। तो हम लोग ने सोचा इसका फूड वगैरह तो ऑलरेडी यू नो बहुत पॉपुलर है, ये ब्रांड बहुत पॉपुलर है सिंस 1937, तो ऑलरेडी बहुत ही ओल्ड ब्रांड है। लेकिन फिर भी हम लोग ने सोचा अगर न्यू आउटलेट ओपन हुआ है तो इसका अंदर का जाके इंटीरियर्स, फूड वगैरह कैसा है ना, आप लोगों को सब कुछ इस व्लॉग में देखने मिलेगा। उसके पहले, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कश्मीर से वापस आई हूँ, तो कश्मीर की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहाँ पे भी धीरे धीरे व्लॉग्स हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ने वो अभी तक नहीं चेकआउट किया तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल अंदर जाते हैं, इसका इंटीरियर, इसका फूड वगैरह कैसा है वो देखते हैं। चलिए, हल्दीराम्स का ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ना एकदम अंधेरी स्टेशन के सामने आप देख सकते हो, जैसे आप ईस्ट से बाहर आते हो, एंड ये आप लोगों को यू नो बाहर जाने का रास्ता है। बहुत ही फेमस है, सब लोगों को पता ही है जो भी अंधेरी में ट्रैवल करते हैं। एकदम प्राइम लोकेशन पर है, मतलब आराम से आप लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हो, 24/7 ओपन होता है। ग्रैब एंड गो यानी टेक अवे का भी ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखोगे वन साइड में टेक अवे, एंड रेट्स तो मैं देख रही हूँ एकदम ही रीजनेबल है। मतलब आप लोगों को अगर यहाँ पे ट्राई करना है तो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। फूड रिव्यू तो आप लोगों को अभी मिल ही जाएगा, मैं अंदर जाऊंगी आप लोगों को फूड टेस्ट करके बताऊंगी। एंड वो सामने की साइड में आप लोगों को यू नो डाइनिंग वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप अंदर बैठ के एसी में आराम से खा सकते हो। बाहर से तो एकदम इसको पुराना वाला जो ट्रेन के डब्बे होते थे अपने ब्राउन कलर वाले, वैसा लुक दिया हुआ है। अभी अंदर चलते हैं एंड अंदर का आप लोगों को इंटीरियर्स वगैरह सब कुछ बताती हूँ। लेट्स गो। ये जैसे इंडिकेटर, मतलब क्या बोलते हैं अपन, प्लेटफॉर्म पर वो जो बोर्ड वगैरह लगा रहता है वैसे इसको लुक एंड फील दिया है। एंड ये हमारी स्टेयरकेस है जहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे आराम से, देन ऊपर चल के मैं आप लोगों को अंदर का इंटीरियर्स बताती हूँ। ये एकदम ट्रेन के कोच की तरह ही लगेगा आप देखोगे तो। यहाँ पे अंदर चलते हैं। अंदर आके अच्छा लग रहा है क्योंकि थैंक यू, हाँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देखोगे एकदम, मैं आपको वाइड एंगल बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे आप नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल करते हो, विस्टाडोम कोच के ऐसे बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, वैसे आप लोगों को लगेगा। अभी सीट पर चलते हैं एंड अंदर के साइड में और कुछ होगा तो मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे तो एकदम जाके कैमरा मुझे उनके फेस पर नहीं डालना है। तो एक सीट पकड़ते हैं, देन वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कि यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ स्वीट्स वगैरह लेना है तो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो, पार्सल डिलीवरी जो भी चाहिए यू कैन जस्ट ऑर्डर एंड गो। एंड चलिए अभी सीट पर चलते हैं, ऑर्डर करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग सीट पर बैठ चुके हैं। मुझे जो मैंने ना हेरिटेज ट्रेन का व्लॉग बना, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हो, एकता नगर स्टेशन से अहमदाबाद, नहीं सॉरी क्या था वो, एकता नगर स्टेशन से अहमदाबाद, ये सॉरी माय बैड। तो जैसे वो हेरिटेज ट्रेन में डाइनिंग कार कैसे होती थी वैसा यहाँ पे एकदम प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ पर आपको लैंप लगा हुआ है, इन्होंने जगह जगह पे यू नो हर एक स्टेशन का ऐसे बैनर टाइप लगाया हुआ है। सीट्स देखोगे ग्रीन कलर एंड येलो कॉम्बिनेशन में दिया है, बहुत ज्यादा अंदर का एम्बियंस काफी अच्छा लग रहा है। बाहर से आए ना थोड़ा सा गर्मी लग रहा है बट अंदर तो कूल है। सीट्स आप देख सकते हो ग्रीन कलर एंड स्पेशियस है, मतलब आराम से 2-3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। नीचे की साइड चार्जर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप आ रहे हो आपको चार्जिंग खत्म है तो वो भी ऑप्शन है। एज ऑफ नाउ इतना ही, मतलब एकदम प्रीमियम लुक है। अगर आप लोग अगर अभी तक रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसके पहले मैंने बूगी वूगी भी कवर किया है सीएसएमटी स्टेशन पर, अगर आपने वो नहीं देखा तो चेक कर सकते हो। एंड दिस इज सेकेंड रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, आप यहाँ पर भी आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इन लोगों का मेन्यू आप देख सकते हो, स्विगी एंड जोमेटो से भी अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो कर सकते हो। एंड इसके अंदर देखते हैं अभी, यहाँ पे इन लोगों का आप देखोगे ना तो फुल मील वाले जो मेन्यू है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो को पॉज कर चेक कर सकते हो। दाल फ्राई, दाल मखनी, एकदम प्रॉपर जो नॉर्थ के फ्लेवर्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। दिल्ली वाला जो टेस्ट आपको यू नो मखनी वगैरह खाना है तो आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। चाट वगैरह खाना है तो चाट वगैरह भी आपको नॉमिनल रेट में एसी में बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। साउथ का भी आपको डोसा वगैरह मिल जाएगा, ब्रेड, चाय वगैरह, जीरा राइस वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। चाय तो नहीं दिख रहा फिलहाल, सॉरी बैड।
देन यहाँ पर एकदम यू नो क्विक बाइट जो होता है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज वगैरह आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ से वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी एकदम नॉमिनल रेट में कोल्ड कॉफी वगैरह यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। चलिए अभी मैं क्या क्या ऑर्डर करूंगी वो आप लोगों को धीरे धीरे देखने मिलेगा। हम लोग ने एक राज कचोरी ऑर्डर किया एंड छोले भटूरे ऑर्डर किए, बट इसको ज्यादा वेट नहीं कर सकते मतलब, क्योंकि ये फिर एकदम गल जाएगा। इसमें दही, आप इसका प्रेजेंटेशन देख सकते हो, एंड एक जन के लिए तो मुझे लगता है ये एकदम इनाफ है, एटलीस्ट मेरे लिए तो इनाफ है। अब इसको टेस्ट करेंगे एंड बताएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे बताना था कि अगर आप ये स्कैन वगैरह करोगे ना तो भी आपको यहाँ से ऑर्डर वगैरह दे सकते हो, फीडबैक देना है तो दे सकते हो, फीडबैक देना है तो दे सकते हो। प्लस ये ओपनिंग 16th ऑफ जैन को ही हुई है एंड मैं 20th को, स्टार्टिंग में शायद मैंने 15-20 दिन बोला है, बट दैट वाज माय बैड, किधर और का मैंने देख लिया था। तो इसको 3 ही दिन हुए एंड आज हम लोग कोडे पर आ गए एंड क्राउड तो फुल है क्योंकि एकदम प्राइम लोकेशन पर है ना ये, मतलब जैसे अंधेरी में ईस्ट में आप आते हो, चलते फिरते लोग बस अंदर आ रहे हैं या फिर यू नो ग्रैब कर कर जा रहे हैं, तो फुल्ली क्राउड है। तो आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी आ सकते हो, मतलब आपको जगह तो मिल ही जाएगी, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अभी जस्ट न्यू ओपन हुआ है एंड ऑलरेडी फेमस हो गया क्योंकि एकदम प्राइम लोकेशन पर है। तो चलो अब इसको खाते हैं एंड देन बताती हूँ मैं इसका टेस्ट कैसा है। आई जस्ट होप मैं इसको मेस ना करूँ। हाथ से खाते हैं हम लोग एकदम देसी स्टाइल में, जैसे कचोरियाँ खाते हैं, तो यू नो खाने का मजा आएगा। इसके अंदर का आप मसाला वगैरह देख सकते हो, अच्छे से भर के इसको बनाया है। ऐसे कुछ भी बड़ा चीज होगा तो खाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, ये सबको पता ही है, बट फिर भी इसको टेस्ट में तो पता चल ही जाएगा। मैंने सिर्फ पापड़ी खाई, लेकिन जो मसाले का फ्लेवर्स वगैरह है ना, अंदर का जो फिलिंग है आप देख सकते हो यहाँ पे, एकदम अच्छे से उसका टेस्ट आ रहा है। ऊपर अनारदाना वगैरह अच्छे से रखा है एंड ये डेफिनेटली मेरे को फुलफिलिंग हो जाएगा। मेन्यू में तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसका प्राइस वगैरह क्या। अभी खत्म करते हैं एंड जैसे मेरा छोले भटूरे आएगा मैं उसका भी आपको रिव्यू देती हूँ। गर्मा गर्म छोले भटूरे आ चुके हैं एंड भटूरे का आप साइज देख सकते हो, एकदम यू नो एकदम बड़ा वाला साइज है। मुझे लग रहा है अभी हम दोनों के बीच में खत्म होगा कि नहीं, लेट्स सी। इसको पहले थोड़ा सा ये कर देते हैं, गर्म से धुआं आता है तो एकदम हाथ जल जाता है, इसके वजह से मैंने इसको ये पहले ही कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ती हूँ, साथ में यू नो भटूरे के साथ में ये आलू मसाला करके कुछ उन्होंने दिया है, प्याज दिया है, साथ में यू अचार दिया, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप अचार भी खा सकते हो, बट मैं फिलहाल मेन भटूरे के छोले के साथ खा रही हूँ इसको। इसमें भी इसका कलर जैसे छोले का होता है ना, एकदम ठीक छोले का एकदम ग्रेवी लग रहा है, प्लस ऊपर से कोरिएंडर का गार्निशिंग किया हुआ है। लेट्स ट्राई, वेरी नाइस। जैसे छोले छोले का एकदम ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, वो आपको इसमें अच्छे से पता चलेगा। ओनियन गार्लिक का टेस्ट एकदम अच्छे से आ रहा है, साथ में आपको चाहिए तो ये आलू मसाला भी ट्राई कर सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेट्स सी, एकदम अचार जैसा फीलिंग लग रहा है। अगर भाजी है तो थोड़ी ज्यादा मिलती तो अच्छा होता, बट देखते हैं, इससे भी ज्यादा अच्छा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एकदम खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है ना, अचार वाला जो टेस्ट होता है वैसा टेस्ट आ रहा है। मुझे तो काफी अच्छा लगा, कचौरी से ज्यादा अच्छा मुझे आलू ये छोले कुलचे लगा। अब ये छोले कुलचे खत्म करते हैं, इसके अलावा कुछ और ऑर्डर किया तो वो भी बताते हैं। आफ्टरनून में आए थे कुछ 12 या 12:30 के आसपास, लेकिन फुल्ली क्राउड है। अगर आप लोग नियर बाय रहते हो यू नो, आपका ट्रैवलिंग या अंधेरी स्टेशन कभी कभार आते हो, तो वंस तो आप लोगों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। हल्दीराम बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर ब्रांड है एंड फूड भी अच्छा ही है। एंड सामने की साइड आप देख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, टेक अवे काउंटर, सॉफ्टी काउंटर वगैरह वहां पर है एंड इस साइड में रेस्टोरेंट है, अंदर बैठ के आप आराम से खा सकते हो। तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा, अगर आप लोग यहाँ रहते हो तो एक बार ट्राई करना। अब इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया है तो कविक्स वाली सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।